हाय गाइस, मैं हूँ सीएमए गोपाल और वेलकम बैक टू चैनल। मैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएमए फाइनल की स्टडी प्लानिंग कैसे की जाए, मतलब किस तरह से प्लानिंग की जाए ताकि हमारा सीएमए फाइनल का कोई भी एक ग्रुप जो आप प्रिपेयर कर रहे हो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो उसके रिगार्डिंग हम स्ट्रेटेजी शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और अपडेट तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन प्रेस करोगे। तो जैसा ही आपने सब्सक्रिप्शन बटन प्रेस किया वैसे ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो सो गाइज, हम शुरुआत करते हैं कि किस तरह से स्टडी प्लान किया जाए कि हम एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ग्रुप क्लियर हो जाए अपने सीएमए का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 फरवरी से 31 मई तक हमारे पास 121 डेज होते हैं टोटल। मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मैंने सीएमए फाइनल में किया था, जो मैंने सीएमए फाइनल में अप्लाई किया था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने थ्योरी के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाई थी, थ्योरी सब्जेक्ट के लिए, और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए कैसी स्ट्रेटेजी अपनाई जाए एग्जाम में ताकि हमको एग्जाम में थ्योरी जो हमने पढ़ी थी वो याद रहे, ठीक है। तो यही बहुत मुश्किल टास्क होता है और यही टास्क मैं आपको इजी वे में बताऊंगा कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले हमको करना यह है गाइज कि जो हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट 1 फरवरी से लेकर 2 दिन कम, मतलब 29 मई तक करना है। कब तक? 1 फरवरी से लेकर 29 मई तक। कितना डेली, कितना आवर करना है? डेली 3 आवर्स आपको उसको देना है। इनिशियली आपको 1 आवर में आपका हो जाएगा, बट जब डेज बढ़ते जाएंगे तब आपको टाइम कम कम होते जाएगा। तो वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो, पढ़ाई कैसी करनी है थ्योरी सब्जेक्ट के लिए, हम नॉर्मली करते क्या है, जिस मैंने आज कुछ पढ़ लिया तो आज के रिविजन में कल नहीं दूंगा, डायरेक्ट उसके आगे का पढ़ना शुरू करूंगा। बहुत बंदे ऐसे करते हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे करते हैं, जिस वजह से उनको होता क्या है, जो उन्होंने कल पढ़ा था उसके रिवीजन दी नहीं उन्होंने, तो वो क्या होगा, मतलब वो तो वो भूल जाते हैं और आगे का पार्ट, मतलब आगे का लर्न करते जाते हैं। तो ये हर टॉपिक के साथ होने वाला है आपके साथ। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं बोल सकते, ये मेरे लिए रॉन्ग थी। मेरा एक्सपीरियंस था कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मतलब मुझे मैं ऐसा नहीं कर सकता स्टडी। तो मैं आपको एक इसका सजेशन दूंगा कि इसको कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मैंने सीएमए फाइनल में क्या किया था गाइस, पता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए मैंने किया, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए मैंने जो, फॉर एग्जांपल, मैंने आज 10 पेज रीड किए हैं, तो वो 10 पेजेस मैं आज जो रीड किए हैं वो कल मैं क्या करूंगा, उसको रिवीजन दूंगा 10 पेजेस की, और अगले दिन के 10 पेजेस, मतलब 20 पेजेस उस दिन पढ़ूंगा, ठीक है। तो ऐसे करते 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 जो मेरे नंबर ऑफ पेजेस रहेंगे कल के रिवीजन के, प्रीवियस रिवीजन के, वो मेरे बढ़ते जाएंगे। तो रिवीजन कैसे करनी है, से फॉर एग्जांपल 5 डेज 5 डेज को क्या होगा, लास्ट के जो 4 डेज है, 4 डेज में जो कुछ मैंने पढ़ा था 10 पेज पर डे के हिसाब से जो मैंने रीड किए थे, ठीक है, तो वो पेजेस की रिवीजन, मतलब 40 पेजेस की रिवीजन प्लस 10 पेजेस, मतलब मुझे 5th डे क्या करना है, 40 प्लस 10 50 पेजेस रीड करने हैं गाइस, ठीक है। बट यकीन मानिए, जो 1st डे आपने रीड करने को 1 आवर स्पेंड किया था, वो 5th डे आपको बस 10 से 15 मिनट लगेंगे 10 पेज रीड करने के। ये आपकी इफिशियंसी आपको प्रूव कर देगी, आप ट्राई कर देखेंगे इस ट्रिक को, ठीक है। तो इससे होगा कि आपकी, मतलब थ्योरेटिकल ये जो सब्जेक्ट का जो डर है आपके मन से वो निकलता जाएगा और लर्निंग आपकी होती जाएगी, बाय हार्ट होती जाएगी, इसको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है। और जो लास्ट के दो दिन रखे हैं मैंने, 30 और 31, उस दिन आपको क्या करना है, जो आपने ये पूरे ड्यूरेशन, मतलब पूरे 4 महीने जो पढ़ाई की थी, वो पढ़ाई आपको लॉ की उस 2 दिन में रिवाइज करनी है, वो लॉ की पढ़ाई आपको 2 दिन में रिवाइज करनी है, समझ गया क्या करना है। सबसे पहले लॉ का तो सबसे पहले लॉ का बोल दिया मैंने, लॉ आपको 3 आवर पर डे लेकर चलना है, और वो कब तक चलेगा, 29 मई तक चलेगा। अब बचता है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में करना क्या है गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है आपके, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके नोट्स सबसे पहले ड्राफ्ट कीजिए, ठीक है। तो नोट्स ड्राफ्ट करना मतलब क्या करना, मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूले लिखना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूले लिखना, उसके बाद पर्ट है, सीपीएम है, नेटवर्किंग है, मतलब ये सब चीजें जो है, जस्ट फाइनल का सब्जेक्ट है आपके, वो सब के आपको क्या करना है, थ्योरी नोट्स एक बनानी है पर सब्जेक्ट वाइज, और उस नोटबुक में आपको लिखना है वो सिंपली, ठीक है। ये आपका कितना दिन चलेगा, फरवरी का पूरा मंथ ये चलेगा आपका, ठीक है, समझ गया। अब फरवरी के बाद, मतलब फरवरी के 29 डेज जाने के बाद मेरे पास बचते हैं 92 डेज, कितने, 92 डेज। तो 92 डेज में मेरे को क्या करना है, 15 डेज पर सबजेक्ट, मतलब मेरे पास अब 3 सब्जेक्ट बचते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल तो मैं रोज चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट बचते हैं मेरे पास, 3 × 15 कितने हो गए, 45 डेज। तो 45 डेज में क्या करूंगा,
पर सब्जेक्ट 45 डेज, पर सब्जेक्ट में 15 डेज दूंगा, और उसमें जो थ्योरी मैंने पहले निकाल रखी थी फेब्रुवरी मंथ में वो रिविजन करूंगा, और उसके आगे उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। अब यहाँ पे एक एडवांस स्टेप और करना है आपको, 100 पेजेस की एक बुक बनाना है, उसमें आप क्या करना है, जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, न्यूमेरिकल पोर्शन के एक रनिंग नोट बना के रखना है आपको। से फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ नए पॉइंट मिले मार्जिन कॉस्टिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, तो मैं क्या करूंगा, एक मार्जिन कॉस्टिंग बोल के हेडिंग दूंगा, और उस हेडिंग में मैं क्या करूंगा कि पूरे पूरे नए पॉइंट मैं लिख दूंगा वहाँ पे, और विथ क्वेश्चन नंबर भी लिख दूंगा, इस क्वेश्चन में मुझे ये नया पॉइंट मिला था और मैंने वहाँ पे वो रीड किया। तो इसका फायदा होगा कि जब आप एग्जाम के टाइम ये खोलोगे तो आपको पूरा के पूरा मार्जिन कॉस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बस थ्योरी नोट्स और जो रनिंग नोट्स है वो पढ़ लो, और जो क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किए थे मुझे ये क्वेश्चन करने हैं एग्जाम को जाते टाइम, तो वो ही क्वेश्चन आप करके जाओ, ठीक है। तो आपको इसका बहुत बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अब हमने पहले 15 डेज दिए थे, अब हम क्या करेंगे, ये डेज को कम कर देंगे, तो ये डेज बन जाएंगे मेरे 10 डेज। तो मुझे अब मेरे पास कितने डेज बचे, अभी 92 में से 45 गए, 47 डेज, ठीक है। तो उसमें से अगर 30 डेज चले गए तो मेरे 17 डेज बचते हैं, उसका देखेंगे हमें क्या करना है। तो पहले 30 डेज में मैं क्या करूंगा, जो पहले लास्ट 15 डेज में किया था पर सब्जेक्ट, वही मुझे 10 डेज में करना है पर सब्जेक्ट अब, ठीक है। तो पहले हमने 3 सब्जेक्ट के लिए 45 डेज दिए थे, अब हमें पर सब्जेक्ट के लिए कितना देना है, 30 डेज में पूरे सब्जेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले मैंने 15 डेज पर सब्जेक्ट दिए थे, 45 डेज लग गए थे मुझे 3 सब्जेक्ट के लिए, और मैंने अब 10 डेज पर सब्जेक्ट दिए तो मुझे 13 डेज लग जाएंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी रिविजन हो जाएगी, 2 रिविजन हो जाएगी, 45 30, ठीक है। अब बचे हैं मेरे पास 17 डेज, तो 17 डेज में मैं क्या करूंगा गाइज, 15 डेज मतलब 5 5 डेज पर सब्जेक्ट फिर से एक रिविजन करूंगा। तो पहले मैंने 15 डेज में किया, फिर 10 डेज में किया, पहले 15 डेज फिर 10 डेज, और उसके बाद और आगे जाओ तो 5 डेज। तो मतलब आपका टाइम कम कम होते जाएगा और आपका पोर्शन जो है उतना ही रहेगा, तो आपकी यहाँ पे क्या होगी, इफिशियंसी लेवल हाई हो जाएगी। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको एग्जाम में सॉल्यूशन आ जाना चाहिए, आ जाएगा, ये मेरी गारंटी गाइस, ठीक है, क्योंकि मैंने यही ट्रिक फॉलो की थी। और नेक्स्ट जो 2 डेज बचते हैं गाइस, वो मैंने पहले ही बोला था आपको लॉ के लिए यूज करना है, ठीक है। ये श्योर शॉट प्लानिंग है गाइस, 121 डेज में आपका ग्रुप क्लियर हो जाएगा, यकीन मानिए मैंने यही स्ट्रेटेजी यूज करके मेरा फाइनल के दोनों ग्रुप क्लियर किए हैं। तो गाइज ये था 3rd ग्रुप के लिए, सेम इसी को हम 4th ग्रुप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 4th ग्रुप में आपको प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं मिलेगा कोई भी, यहाँ पे 20 पेपर 20 जो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, और पेपर 19 जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है, वही आपको उसमें थ्योरी मिलेगा, वो भी पूरा थ्योरी नहीं मिलेगा, 50-50% का थ्योरी मिलेगा। तो आपको करना क्या है, सेम गाइज सेम जो हमने 3rd ग्रुप में किया था लॉ के लिए, पूरे जो 1 फरवरी से लेकर 29 मई तक आपको क्या करना है, थ्योरी सब्जेक्ट ही करना है, ठीक है, थ्योरी ही करना है रोज 3 आवर्स, ठीक है गाइज। उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट है वो जैसा मैंने बोला था 3rd ग्रुप के लिए, वो सेम एप्लीकेबल होगा 4th ग्रुप के लिए, ठीक है। और एक गाइज मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, अगर थ्योरी सब्जेक्ट आपका जैसे 2 महीने होते हैं, 2 या 2.5 महीने होते हैं, तो आपको थ्योरी सब्जेक्ट थोड़ा बोर लगना लगेगा, तो उसको थोड़ा ब्रेक देना, मतलब 1-2 दिन का ही ब्रेक देना, ज्यादा ब्रेक नहीं देना। और वो 1-2 दिन में करना क्या पता है कि जो आपने थ्योरी सब्जेक्ट किए थे, थ्योरी सब्जेक्ट की जो नोट्स निकाली थी आपने फरवरी मंथ में, उसको एक बार रिवाइज कर लेना वहाँ पे, जैसा भी आपको टाइम मिलता है, जिस टाइम पे भी बोर हो गए थ्योरी पढ़ते पढ़ते लॉ की, तो आप जो थ्योरेटिकल नोट्स निकाले थे आपने सब्जेक्ट के, अदर सब्जेक्ट के, वो आप रीड करो, ठीक है। तो एट द एंड एग्जाम के दिन आपके पास क्या क्या होगा, जून मंथ में आपके पास क्या क्या होगा, मैं आपको लिस्ट बोलूंगा गाइज। आपके पास होगी थ्योरी नोट्स न्यूमेरिकल पोर्शन की, आपके पास होगी लॉ की नोट्स, आपके पास होंगे रनिंग नोट्स, आपको ये 3 ही चीजें एग्जाम में पास आउट करा सकती है, ठीक है गाइज। तो रनिंग नोट्स एकदम बहुत बढ़िया है, ये ट्रिक फॉलो कीजिए गाइज। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे गाइस तब तक हमें कैसा पता चलेगा कि आपको, आपकी डिमांड क्या है, आपको क्या चाहिए, हम आपको और क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और मेक श्योर गाइस आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन भी प्रेस किया हो, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फाइनल की स्ट्रैटेजी पता चले और वो भी फाइनल में पास आउट हो सके। और ये हमारे तरफ से एक छोटी सी हेल्प है आपके लिए, आप इसको, हमने आपकी हेल्प की, आप किसी और की हेल्प कीजिए वीडियो शेयर करके, ठीक है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड गाइज।